कराची पुलिस की नाहली का एक और वाकया। न्यू कराची में पुलिस मुकाबला, एक शहरी की जान ले गया। न्यू कराची में चार लुटेरे शहरी की मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहे थे कि पुलिस मौके पर पहुंची और इनकाउंटर शुरू हुआ। पुलिस ने एक मुलजिम को जख्मी हालत में शिकंजे में ले लिया, लेकिन बेगुनाह रिक्शा ड्राइवर नफीस बलोच इस मुकाबले की भेंट चढ़ गया। मकतूल रिटायर्ड फौजी जबकि 5 बेटों और 6 बेटियों का बाप था। पुलिस ने फायरिंग की जद में आके जो राहगीर रक्षा ड्राइवर हसीब जो है वो जख्मी हुआ, उसको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अब पता चला कि वो अल्लाह को प्यारा। मकतूल का बेटा अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा तो बाप की लाश देखकर खुद पर काबू न रख सका। नफीस खान के बेटे ने पुलिस मुकाबले की तहकीकात और जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। हम ये चाहते हैं कि मुकम्मल पोस्टमार्टम हो, तहकीकात हो, ताकि पता चले कि आया ये बुलेट डाकुओं की लगी है या पुलिस की लगी है। रवा साल 3 शहरी पुलिस मुकाबलों के दौरान जहां बाहक हो चुके हैं। शारा फैसल पर नौजवान मकसूद भी ऐसी ही मुकाबले में जान से गया था। डिफेंस में पुलिस ने इंतजार अहमद की गाड़ी पर भी गोलियां बरसाई थीं। कैमरामैन शाहिद मलिक और दानियाल के साथ फयाज यूनस, 92 न्यूज़, कराची।